आखिरकार आईबीपीएस पीयू प्री के 20th अक्टूबर के फोर्थ शिफ्ट में आईबीपीएस ने अपना रंग दिखाया। टफेस्ट पेपर है स्पेशली क्वांट का, चार चार आठ शिफ्ट हुए दो दिनों में, लेकिन रियल में जो नॉर्मलाइजेशन नजर आएगा वो उसका असर फोर्थ शिफ्ट में आज के दिन का पड़ेगा। असल में अप्रॉक्स के 5 क्वेश्चंस वो भी टफ है, रॉन्ग नंबर सीरीज वो भी टफ है, एक टेबुलर डीआई आया वो भी टफ आया। स्टूडेंट तो इसमें उलझ करके रह गया, इसके बाद वो क्या बनाएगा क्या छोड़ेगा, बड़ी मुश्किल से 17-18 का स्कोर कोई कर पा रहे हैं, तो भी 20 बहुत कम स्टूडेंट्स का हो पाया है। देखिए चिंता की बात नहीं है, 50 जिनका भी आएगा उनका पक्का सिलेक्शन होगा। असल में पूरे 8 शिफ्ट में एक डिफिकल्टी लेवल को मेंटेन किया गया था, लेकिन बात यह है कि ये 4-4-8 में से 7 शिफ्ट हो गए, स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलना चाहिए इस फोर्थ शिफ्ट में यानी 8वें शिफ्ट में, और इसी को ध्यान में रख करके आईबीपीएस ने टफेस्ट पेपर सेट किया कि आपने सारे शिफ्ट के क्वेश्चन तो देख लिए, तो आइए देखते हैं आप इसको कैसे बनाते हैं। चिंता की बात नहीं है, जिस जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो लेवल है उसके कारण कट ऑफ नीचे जाएगा। एक बात तय है, जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं उनको सक्सेस मिलता ही है, उनको वो रिजल्ट नजर आता ही है, इसमें भी कम स्कोर होने के बाद भी ये जरूर नजर आएगा। आप सभी मेंस की तैयारी करें, जिनका भी जनरल कैटेगरी में 50+ है चिंता की बात नहीं है, SC ST जो कैटेगरी है वो तो 42-43 इस तरह का स्कोर भी अगर हुआ है तो भी वो मेंस की तैयारी करें। EWS और जो OBC कैटेगरी है इसका लगभग वही रहता है जो जनरल कैटेगरी का रहता है।